माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष जल शक्ति अभियान का प्रारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी जनपदों को निर्देश दिया कि जल शक्ति अभियान को आगे बढ़ाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप अवगत हैं, गौतम बुद्ध नगर 1442 स्क्वायर किलोमीटर में है, माइग्रेशन लगातार यहाँ पे हो रहा है, मैन मेड रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज पे लगातार प्रेशर रहता है और लगभग 1000 तालाबों की संख्या अब घट के 350 तालाबों के लगभग आ गई है। ये एक बड़े चिंता का विषय है। जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद हम लोगों ने सोचा कि ये प्रेशर और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रीज, कंपनीज, ऑफिसेज, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, ये सब आएंगी, माइग्रेशन होगा, और ऐसे में तालाबों की संख्या घटती जा रही है, जलस्तर नीचे जा रहा है। ये एक चिंतनीय विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक अभियान के स्वरूप इस वर्ष हम लोगों ने सोचा कि 51 नए तालाब खुदवाए जाएं और पुराने तालाबों की सफाई भी करवाई जाए, जो 100 से ऊपर की संख्या होगी। इसमें सरकारी स्कीमों के साथ साथ हम लोगों ने CSR में प्राइवेट सेक्टर की मदद ली है, और अगले वर्षा ऋतु में इसमें पानी आ जाएगा और निश्चित रूप से इन स्थानों का जलस्तर ऊपर बढ़ेगा। इसी तरह से अगले वर्ष का टारगेट 101 नए तालाबों का है और उसी तरह से 251 तालाबों की सफाई का है। और विशेष अभियान के रूप में हम लोग उसको चलाना चाहते हैं। राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों ने बड़े मन से इस कार्य को कराया है और ये फंडामेंटल वर्क है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और मुझे लगता है कि एक अच्छे मॉडल के रूप में ये डेवलप करेगा। ये गांव है अली अहमदपुर उर्फ गढ़ी। ये बड़ा खूबसूरत नया तालाब बनवाया है यूफ्लेक्स ने। ये देखिए लगभग 5000 वर्ग मीटर ज़मीन पे बना है। इसमें ऊपर से बरसात के टाइम में पानी के आने की व्यवस्था है। ये पाइप लगाए गए हैं इसके चारों तरफ, ये बड़े बड़े पाइप हैं। ये इसलिए कि ऊंचाई से पानी इस तालाब में आएगा तो भरेगा। यहाँ चूँकि चिकनी मिट्टी है तो कुछ बच्चे इसमें से चिकनी मिट्टी भी निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छा तालाब बनाया है इनके द्वारा। घूमने फिरने को भी स्थल ही बन जाएगा अगर चारों तरफ से इसके रास्ते तैयार हो जाते हैं। ये चिरौली गांव है और ये लगभग 21,000 वर्ग मीटर का तालाब है। हमने SCL फाउंडेशन के साथ इसकी सफाई कराने का निर्णय लिया है। फाउंडेशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो इसमें से जलकुंभी निकाल रहे हैं। किया कि भाई प्रधान जी आपके हम गांव के तालाब कराएंगे, तो इन्होंने एक गोष्ठी भी की है और इनकी सोच थी, हमारी भी सोच थी, गांव वालों की सोच थी कि भाई ये गंदगी का निवारण हो और इसका समाधान हो। बदबू के मारे रुका नहीं जाता था यहाँ। आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हम सुरक्षित रह सकते हैं यहाँ इस गाँव के अंदर। और बाकी हम तो आभार प्रशासन और तहसीलदार महोदय, SDM महोदय और DM महोदय, हम तो सभी का धन्यवाद करते हैं योगी तक का कि हमारी ये गंदगी साफ हो, हमारा गांव चमन हो एक तरीका से, फूल फूल वाली, पक्षी बहुत आते हैं यहाँ विदेशों के। नमस्कार, मैं आरोह फाउंडेशन से एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ और ये SCL CSR फंड के मध्य में हो रहा है। ये तो हमने अपने टीम को ऊपर में संदेश दिया कि इसको हम लोग जल्द से जल्द सफाई शुरू कर दें,
और ये पानी साफ होके इस तालाब में आए, जिससे गांव वाले फिशरीज में, सिंगड़ा पालन में, इस तरह के रूप में भी यूज कर सकते हैं।